नमस्कार। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस लौटेगी या फिर बीजेपी कमल खिलाने जा रही है? आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का मटराइज के नाम से किसकी यहां पर सरकार बन सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 7500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में किसका 36 का आंकड़ा बैठेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि एक मंच पर मोदी और भूपेश बघेल दिखे हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर वार करते भी नजर आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को लेकर अब नए आंकड़े काफी चौंकाने वाले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के इफेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं जो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है और उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से सरकार बनाने का दावा कांग्रेस कर रही है, लेकिन मटराइज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है। 2023 में कांग्रेस मिशन 71 सीटों का लेकर चल रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही यहां पर राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव है और 2018 में कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस कार के आंकड़े आ रहे हैं राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को लेकर, कांग्रेस ये दावा करी कि 5 गारंटी योजना के तहत वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में यहां पर 114 सीटें हासिल की थी तो राजस्थान में 100 सीटें और छत्तीसगढ़ में 65 सीट है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 107, राजस्थान में 73 और छत्तीसगढ़ में 16 सीटें हासिल की थी। तो ऐसे में तीनों ही राज्यों में क्या इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, सभी पार्टियां यहां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है, क्योंकि इन्हीं राज्यों के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में जा सकती है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल मटराइज ने दिया है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मटराइज के हिसाब से छत्तीसगढ़ को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से जिस कार से अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री हो चुकी है, तो मोदी जी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं, क्योंकि अंत में जिस कार की बड़ी बड़ी जनसभाएं करती हैं, रोड शो देखने को मिलते हैं, उसके बाद जनता का मन किस तरफ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कर्नाटक चुनाव में देखने को नहीं मिला है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ 38% यहाँ मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, जबकि थोड़ा बहुत कहने वाले 23%, कोई प्रभाव नहीं होगा 39% लोगों का मानना है जो मटराइज का ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है। जबकि केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छा कहने वाले यहाँ 38% है, संतोषजनक 44% और खराब कहने वाले 18% है। इस मामले में केंद्र सरकार के कामकाज से छत्तीसगढ़ की जनता या पीएम से या पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन राज्य सरकार को लेकर क्या मानना रहा है इस पर अगर बात की जाए तो कुछ आंकड़े और सामने आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए 90 सीटें छत्तीसगढ़ में आती हैं और 2018 में जहां 44% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में रहा था तो बीजेपी ने यहां 34% वोट हासिल किए थे और अन्य के पक्ष में 22% वोट शेयर रहा था, लेकिन इस बार 2023 के सर्वे में जो अनुमान है उस हिसाब से कांग्रेस 44% वोट शेयर, जबकि बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ रहा है करीब 43% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। यानी वोट शेयर के मामले में यह काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है इस पर मटराइज ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है वो भी काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार जो अनुमान मटराइज ने लगाया है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए कांग्रेस यहां 47 से 52 सीटें जा सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर जो है 34 से 39 सीटें, जो 16 सीटें मिली थी उसके मुकाबले बीजेपी यहां पर छत्तीसगढ़ में कमबैक करती नजर आ रही है, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट, यानी छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो कांटी की टक्कर जरूर है, जिस कार से अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी उतर चुके हैं, 7500 करोड़ की बड़ी सौगात दी है, उसके बाद
ये आंकड़े और यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, यहाँ किसकी सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर क्या बीजेपी यहाँ पर बड़ा वाला इफेक्ट कर पाएगी या फिर कांग्रेस बरकरार रहेगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं होती हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे होते हैं, किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को लेकर, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।